हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो चले शुरू करें। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon ऑयल, 1 lemon juice। अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छे से। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिकन पे लग जाएं। मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसमें मसाले का टेस्ट आ जाए। आप चाहे तो इसे ज़्यादा देर तक के रख सकते हैं, 1 से 2 घंटा। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम इसके ग्रेवी की तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी खड़े मसाले। मैंने कुछ तेज पत्ता ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। एक दालचीनी का टुकड़ा, स्टारफुल थोड़ा सा, 2-3 लौंग, 5-6 काली मिर्च, ये सब मैं इसमें डालूँगी। 3 हरी इलायची, छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटी हुई प्याज, इसे हम थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा फ्राई हो जाए, उसकी रॉ स्मेल चली जाए, बस इतना ही। ऑनियन थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं इसमें खाली 1 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते वक्त उसमें डाला था। 2 ग्रीन चिलीज और ये मैंने हरे धनिया की स्टेम ली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने हरा धनिया निकाल के रख दिया है गार्निशिंग के लिए और इसके स्टेम्स मैं इसमें डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ये मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, इसे कट करके ये ऐड करूँगी। मैंने इसको फाइनली चॉप नहीं किया है क्योंकि इसे सबको भून कर मुझे पीसना है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक भी हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने चिकन के मैरिनेशन में डाला था, इसलिए हम इसमें थोड़ा ही डालेंगे। हम चेक करेंगे, फिर अगर ऐसा लगता है कि नमक कम है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, ताकि मसाला नीचे जल ना जाए, और इसे ढककर हम कुक होने के लिए देंगे थोड़ी देर के लिए। मैं बीच में एक बार चेक कर लूँगी। मैं इसे चेक कर लूँगी, हमारी प्याज और टमाटर गल गया है अच्छे से। अब मैं इसे बंद करके ठंडा होने दूंगी और मैं इसे पीस लूंगी। मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन डालूंगी। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है।
इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि चिकन के जो जूसेस है वो उसी में रहें, मतलब उस वो चिकन जूस रिलीज़ ना करें। बस हमें हाफ कुक करना है चिकन को, पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है। ऐसे पलटा दूंगी। खाली 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। हमारी चिकन फ्राई हो गई है, अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और इसी तरह से बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। इसमें सारे चिकन के मसाले भी हैं, इसलिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया है छान के। इसमें मैं ऐड करूँगी ये पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। इसे थोड़ा चला लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, ये 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला था, फिर ग्रीन चिली भी डाला था। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। इसे चला लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, 2 टेबलस्पून है। इसे कर लेंगे मिक्स। मैं ऐड करूंगी फ्राई चिकन। इसे चला लेंगे हम फिर से। हमें चिकन को हल्का सा ही भूनना है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है और हम इसे स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। ये वही पानी है जिसमें मैंने मसाला पीसा था, मैंने वही पानी को निकाल लिया है साइड से पूरा। अब मैं इसे स्लो फ्लेम करके ढककर कुक होने दूंगी 10 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, मैं ज़रा से चेक कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी मैं इसमें क्रश करके। इसे मिक्स कर लूँगी। और ढक्कन रख के थोड़ा और कुक होने दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक कर लूंगी फिर से। हमारा तेल अलग हो गया है मसाले से, देखिए साइड में आया है तेल कितना अच्छा। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है ग्रेवी में से। अब मैं इसके फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दूंगी। हमारा चिकन फ्राई मसाला रेडी है। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें न काजू डलता है न क्रीम, पर इसका टेस्ट इतना रिच होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।